ये मेरी फेविकॉल की बोतल खाली हो गई, चलो इसको फेंक देती हूँ। नहीं, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं इसका यूज करूंगी, और यूज करने के बाद में देखना आपको लगेगा कि हाँ वाकई इस बोतल का जो यूज मैंने आज किया है ना, आप सोच नहीं सकते। और आज मैंने जो बोतल बनाई है उसको देखने के बाद कमेंट करे बगैर भी आप नहीं रह पाएंगे। तो लेकिन वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो, क्योंकि जो बोतल तैयार हो रही है ना, तो कमेंट तो आप अपने आप ही कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाली बोतल को मैंने निशान लगाकर कट कर लिया है, और कट करने के लिए आप कोई भी पुराना नाइफ ले सकते हैं, उसे गैस पर गर्म करके आसानी से कट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कट हो जाता है। वैसे तो मैं पहले भी कई बार बोतल के डेकोर वीडियो बना चुकी हूँ, कई वीडियो में मैंने बोतल आर्ट की है और आप सबने पसंद भी की है, लेकिन आज मैं बोतल के ऊपर जो आर्ट बना रही हूँ उससे तो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर करके या कोई भी डार्क कलर करके उसके ऊपर ये खूबसूरत डॉट आर्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बस एक हाफ सर्कल मिरर लगा करके नहीं, इस आर्ट को बनाना स्टार्ट किया है। इसके बाद डॉट लगाती गई और जो डिजाइन मुझे अच्छा लगा वो मैंने बना दिया। डॉट आर्ट को बनाना इतना आसान है कि आप अगर सिंपल बड़ी और छोटी डॉट्स भी लगाते जाएंगे तो भी वो बहुत सुंदर लगती है। हाँ, पर इसे बनाने के लिए ये कुछ टूल्स हैं। अगर आपके पास में ये टूल्स हैं तो डेफिनेटली आप इस आर्ट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अगर हमारे पास परफेक्ट टूल्स वगैरह हैं तो हमें आर्ट बनाना या उस काम को करने में आसानी होती है। और ये टूल्स आप अपने निजी स्टोर या ऑनलाइन से बाय कर सकते हैं। वैसे मैंने इसकी लिंक दी हुई है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये मंडाला डॉट आर्ट बनाने के बाद मैंने ऊपर और नीचे की साइड ब्राउन कलर कर दिया, क्योंकि जहां मैं ये यूज करने वाली हूं वहां ये दोनों ही कलर बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे बोतल के ऊपर डिजाइन बनाने के बाद में मैंने कुछ कलरफुल डॉट्स रख दी हैं दूर दूर, क्योंकि खाली बोतल थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन कलर डॉट्स रखने के बाद में अब बहुत सुंदर लग रही है। तो कलर करने के बाद सबसे पहले मैंने वार्निश की है, और वार्निश का आज मैंने बहुत थिक कोट दिया है कि जिससे कि जो हमारे कलर हैं उनका अच्छे से प्रोटेक्शन रहे। तो अब मैंने यहाँ क्लियर वार्निश लगाई है और इसकी मैंने कोटिंग आज थोड़ी थिक की है जिससे कि ये हमारी जो कलर है वो अच्छे से बने रहे। ये वार्निश बहुत अच्छी है, इसके ऊपर से अगर पानी गिर भी जाता है तो कलर बिल्कुल खराब नहीं होते और लॉन्ग टाइम ये चलती है, और पूरी बोतल बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ मैंने थोड़े से मिरर भी लगा दिए हैं, क्योंकि मिरर भी इसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आइए देखते हैं इसका फाइनल लुक, और इस बारिश के मौसम में ग्रीनरी के बीच में लगाएं ये कलरफुल बोतल, बहुत प्यारी लगेगी, आपकी गार्डन आपकी बालकनी को बहुत सुंदर लुक देगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye.